हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। आज अपन करेंगे एस सी वर्मा का चैप्टर 5 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल मैं पढ़ता हूँ अब, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है देखो, अ पर्सन ड्रॉप्स अ कॉइन, एक पर्सन जो है कॉइन को गिराया, ड्रॉप किया। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द कॉइन एज सीन बाय द पर्सन इफ ही इज़ इन अ कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यानी कि बोला है कि एक पर्सन कॉइन को ड्रॉप किया, ठीक है। अब बोला है कि व्हाट इज़ द पाथ एज सीन बाय द पर्सन इफ ही इज़ इन अ कार, यानी कि वो एक कार में है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये अपने को कंडीशन दी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, कार की फ़ोटो बनाते हैं अपन। ये रहे कार, ये रहे कार, ये थोड़ा सा कार जैसा कम दिख रहा है, मछली जैसा ज़्यादा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। ये आदमी रहा अपना, और ये जो ब्लू कलर का आइटम है वो क्या है, कॉइन है। और जो कार है वो वी वेलोसिटी से जो कि कांस्टेंट है जा रही है। अब सोचो भाई, ये आदमी, ठीक है, इसने कॉइन ड्रॉप किया। तो कॉइन और आदमी का मैं पाथ बनाऊंगा, देखना। कॉइन इसने अगर ड्रॉप किया है यहाँ पर, तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो आदमी की होगी, ठीक है, इसको छोड़ो। कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो आदमी की होगी। तो कॉइन का पाथ कैसा होगा, कॉइन का पाथ विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पाथ होगा उस कॉइन का, ठीक है। अब क्या होएगा सोचो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगा वो, मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी कॉइन अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन क्या होएगा, सिंपली वी टी, ठीक है। और ये आदमी तो क्या कर रहा है, वो आदमी तो कार में बैठा हुआ है, तो कार खुद भी वी वेलोसिटी से जा रही है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो कार भी जो है टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगी, एग्जैक्टली इतना ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो आदमी भी उतना ही ट्रैवल करेगा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, वी टी। तो यानी कि जब आदमी यहाँ पर होगा, तब बॉल कहाँ पर होगी, यानी कि कॉइन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब आदमी थोड़ा सा पहले यहाँ पर होगा, तब कॉइन कहाँ पर होगा, उसके यहाँ पर होगा नीचे में, ठीक है। थोड़ा और आगे बाहर बढ़ा देते हैं कहानी को, आदमी थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो कॉइन क्या होएगा, ये ऐसे आ गया। पर एट एनी टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉइन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि एट एनी इंस्टेंट द कॉइन विल बी डायरेक्टली बिलो दी मैन। हर समय जो आदमी है उसके जस्ट नीचे रहेगा अपना कॉइन, ठीक है। ये हर समय जो कॉइन है वो आदमी के एग्जैक्टली बिलो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आदमी के रिस्पेक्ट में उस कॉइन का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, खत्म बात। और इतना अगर माथापच्ची नहीं करनी हो तो सिंपली यार देखो, उसने क्या किया, कॉइन को ड्रॉप किया, ठीक है, और वो जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब वो एक इनिशियल फ्रेम में है, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी आदमी की और कॉइन की दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, आदमी का जीरो है, कॉइन का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आदमी के रिस्पेक्ट में कॉइन नीचे ही ना जाएगा, है ना। एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ना कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो एक्स डायरेक्शन में। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में जीरो हुआ। वाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉइन का एक्सेलरेशन है, वो भी नीचे की तरफ। तो अब आदमी कॉइन को ड्रॉप किया है, यानी कि जस्ट ऐसे रिलीज किया है, तो कॉइन नीचे ही ना जाएगा आदमी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आदमी के रेस्पेक्ट में कॉइन का जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी पार्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, बताओ। वॉट विल बी द पाथ ऑफ द कॉइन इफ द मैन इज इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। यानी कि आदमी है इस बार कहाँ पर है, वो एक लिफ्ट में है जो कि फ्री फॉल कर रही है। अब ये फ्री फॉलिंग लिफ्ट, यानी कि फ्री फॉल मतलब लिफ्ट टूट गई है, ऊपर से जो उसको जो भी चेन वेन पकड़ के रखती होगी लिफ्ट को, वो टूट गई है। तो लिफ्ट क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। अब लिफ्ट में आदमी है, आदमी भी फ्री फॉल कर रहा है, और आदमी को फ्री फॉल करते करते वो क्या किया, कॉइन को ड्रॉप कर दिया। तो ऑब्वियसली सभी जो है किस कहाँ पे हैं, अभी धरती पे हैं, सभी पे कौन एक्ट कर रहा है, एमजी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सभी के सभी जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। अब अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में देखूं,
तो इस मैन का और इस कॉइन का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, ठीक है। लिफ्ट फ्रेम को छोड़ दो, चलो ग्राउंड फ्रेम में ही देख लो, ग्राउंड फ्रेम में ही देख लो। ग्राउंड फ्रेम में भी क्या है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी सेम है? क्योंकि इस बंदे ने इस कॉइन को ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब ही क्या होता है कि रिलीज्ड विद ज़ीरो वेलोसिटी, उसने कॉइन को छोड़ा विद ज़ीरो वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की और आदमी की सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हुई, इसका मतलब कॉइन क्या करेगा, आदमी के रेस्पेक्ट में चुपचाप खड़े रहेगा, यानी कि द कॉइन विल बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी मैन। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियली रेस्ट पे है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो पाथ कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है ना, पाथ विल जस्ट बी अप, मतलब पाथ कुछ होएगा ही नहीं, द कॉइन विल बी एट रेस्ट एज सीन बाय द मैन, ठीक है भैया। तो ये बात हो गई। अब इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके तो मत देख लेना, पर कई हॉलीवुड मूवीज़ में इस टाइप का कुछ दिखा हुआ दिखाई देता है अपने को, जैसे इंसेप्शन देखना, इंसेप्शन में ये है, उसमें उन लोग गिरते रहते हैं तो पानी की ड्रॉप्स वगैरह दिखती हैं, खैर वहाँ नहीं जाते अपन। इंसेप्शन किसी ने देखी होगी तो वो ब्रिज से जो गिरने वाला सीन है, कार गिरती रहती है, वो वाला सीन बहुत अच्छा है, तो उसमें जो है इस चीज़ की हल्की फुल्की फीलिंग आती है। वैसे तो मेरे को लगता है आप लोगों को आई गई होगी, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल था एक्चुअल में। अब उसको फिज़िक्स की भाषा में एक्सप्लेन करके जबरन कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पूछा है वहाँ पर, है ना भाई, मेरी कोई गलती नहीं है सीधी सी बात। ठीक है दोस्तों, फिर अपन मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे शॉर्ट आंसर के। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।